नए वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दीदी, आपने मुझे वकील बनाया और आज अगर ये वकालत आपके काम नहीं आई तो मैं सारी जिंदगी तड़पता रहूंगा। अब ये केस मैं लड़ूंगा दीदी, प्लीज इस वकालतनामे पर साइन कर दीजिए। क्या आपको मुझ पर भरोसा नहीं? रवि, मुझे तुम्हारे और राधा के बारे में बहुत गलतफहमी हो गई थी, मुझे माफ कर देना। नमस्ते। अब क्या लेने आए हो यहां? मैं जानता हूं कि इस घर में अब मेरे लिए कोई जगह नहीं। तो फिर यहां आने की जरूरत कैसे की? मैं अपना सूटकेस लेने आया हूं। बहाना अच्छा है। तुम्हारे सूटकेस में है ही क्या? चंद कपड़े? क्या कीमत है इनकी? 1,000, 2,000, 5,000? मैं अदा कर देता। माफी चाहता हूं सर, मैं जानता हूं कि आपके पास बहुत दौलत है, मगर इस सूटकेस में जो चीज है उसकी कीमत आप तो क्या दुनिया की बड़ी से बड़ी हस्ती नहीं अदा कर सकती। ऐसी कौन सी अनमोल चीज है इसमें? इसमें मेरी बहन के लिखे वो खत है जो मेरे लिए रामायण और गीता से भी कीमती है। आज मैं जो कुछ भी हूं इन खतों की वजह से हूं, इसलिए तो आप जैसे नामचीन वकील अपनी बेटी की शादी मुझसे कराने वाले थे। ऐसी कीमती चीज खरीदने के लिए आपकी तिजोरी की दौलत बहुत कम पड़ेगी। अरे इसे खरीदने के लिए तो कुबेर का खजाना भी कम पड़ेगा, पब्लिक प्रोसिक्यूटर साहब। शंकर, मत लो उसका नाम। क्यों नहीं लो? क्योंकि ये साबित हो गया है कि वो तुमसे प्यार नहीं करता। अगर करता तो भरी अदालत में मेरी बात ठुकरा कर उस कॉल गर्ल को अपनी बहन नहीं मानता। पापा, अगर वो अपनी बहन को भरी अदालत में नहीं अपनाता तो मेरी नजरों से जरूर गिर जाता। लेकिन उसने आपके दिए हुए लालच को ठुकरा कर भाई बहन की पवित्र रिश्ते की लाज रखी। अब मेरी नजरों में ना सिर्फ उसके लिए इज्जत बढ़ी है बल्कि मान है मुझे उस पर। अब तक तो मैं उससे प्यार करती थी लेकिन अब मैं उसकी पूजा करूंगी। तुम कहां जा रही हो? शंकर के पास। पागल मत बनो, देखना लोग उसे नफरत से देखेंगे, उसका सोसाइटी में रहना मुश्किल हो जाएगा। शलाका, उजालों को छोड़कर अंधेरों में मत जाओ। कम से कम मुझे इस बात का यकीन रहेगा कि शंकर का प्यार सच्चा है और अंधेरों में भी प्यार की किरण देख सकूंगी। सिर्फ प्यार जिंदा रहने के लिए काफी नहीं है। मैं उसकी खूनी बच्चलन बहन को फांसी के तख्ते पर चढ़ाकर ही दम लूंगा। उसका करियर खत्म हो जाएगा, दर दर की ठोकरें खाएगा, भीख मांगेगा वो, भीख। अगर भीख भी मांगनी पड़े तो भी हम आपके दरवाजे पर नहीं आएंगे। राकेश, इस फाइल में तो एक बात का जिक्र ही नहीं। किस बात का? उस लिफाफे का जो खून होने से कुछ ही समय पहले रंजीत राय अपने साथ लाए थे। उस लिफाफे का तो पुलिस रिपोर्ट में भी कोई जिक्र नहीं। अगर हमें वो लिफाफा मिल जाए तो हमारी सारी मुश्किलें आसान हो जाएंगी। जिस जगह खून हुआ था वहां के कई फोटोग्राफ्स मेरे पास है, क्यों ना इलाज करके उसमें देख लिया जाए। आई थिंक इज राइट। इस फोटो में भी वो लिफाफा कहीं नजर नहीं आ रहा। जरा मैं देखूं। देख, राकेश, लिफाफा नजर आया? नहीं, लेकिन यह साइड में एक बटन गिरा हुआ है, देख। बटन? मैं देखूं। ये बटन हमारी कामयाबी की पहली सीढ़ी है। वो कैसे? क्योंकि इसी बटन के जरिए हम उस खूनी तक पहुंच सकते हैं।
कहाँ चला गया था अपन को छोड़कर? हेलो सुखदेव, 4-5 दिन के लिए तुम कहीं गायब हो जाओ। अच्छा ठीक है, 5-6 दिन के लिए गायब हो जाऊंगा, लेकिन उसके बाद मुझे मेरा माल चाहिए। तुम्हें तुम्हारा माल मिल जाएगा। किसका फोन था? ये माल गायब, ये क्या चक्कर है? मानेगा, ये चक्कर होकर की बातें छोड़ो, बस इतना समझ लो कि कुछ ही दिनों में अपन मालामाल हो जाएगा। वो कैसे? कह दिया ना, ये सब मत पूछ। लेकिन मोनिका, 5-6 दिनों के लिए मुझे तुझसे दूर रहना पड़ेगा बस। लेकिन तब तक अपन अकेले कैसे? अरे पगली, सिर्फ 5-6 दिन की तो बात है, उसके बाद माल मिल जाएगा और फिर सारी जिंदगी तो साथ गुजारना ही है। सच? और क्या? फिर तो अपन का सपना सच हो जाएगा। जरूर सच हो जाएगा। उसके बाद? उसके बाद आप उन दोनों शादी बनाएगा। फिर आप उन दोनों का प्रोडक्शन शुरू। चंगू भंगू जंगू भंगू। रवि, सुखदेव अपने आप को बचाने के लिए कहीं गायब हो गया, लेकिन वो जा कहां सकता है? उसका मैंने पता लगा लिया है, वो इस समय रेड लाइट एरिया में है। तब तो हमें वहां जाना चाहिए। वो तो ठीक है, लेकिन हम लोग वहां जाएंगे कैसे? वो एरिया तो बहुत डेंजरस है। वहां हम नहीं, सिर्फ मैं जाऊंगी। हम सभी साथ नहीं जा सकते, हमें देखकर वो वहां से भाग जाएगा। वहां तो सिर्फ मैं जाऊंगी। हाय पान खाए सैया हमार, पान खाए सैया हमार, मलमल का कुर्ता और छीट लाल लाल, पान खाए सैया, पान खायो सैया तुहार। लस्सी, जलेबी, फूल, पान। यहाँ सुखदेव कहाँ पर मिलेगा? जरावर से पूछो। माफ करना बहन जी, क्या मैं तुम्हें बहन जी लगती हूँ? अच्छा माफ कर दो भाई साहब। क्या कहा भाई साहब? मैं तुझे भाई साहब लगती हूँ? अच्छा जो भी है माफ कर दीजिए। माफी माफी से काम नहीं चलने वाला। निकाल 50 की पत्ती। 50? चल चल दे ना। निकाल लो। अरे अरे चल, तू चल यहाँ से। रुकना, रुक। अरे ओ चिकने, इधर आना, तुझे जहाज की सैर कराती हूँ। ये आना। ये हमें इस तरह क्यों बुला रही हैं? लोरी गा के सुलाने के लिए। अच्छा क्या कर रही हैं आप? मैडम आप जो सोच रही हैं ना, वो हमारे पास हमारे दिल में वो नहीं है। अरे आप हमारे साथ एक रात गुजार के देखिए, आप उम्र भर नहीं भूलेंगे। लेकिन मैडम हम तो स्टूडेंट्स हैं। हम स्टूडेंट्स को कंसेशन देते हैं। अच्छा कोई इंस्टॉलमेंट का प्लान भी है स्टूडेंट्स के लिए? चल यहाँ से, हो तो बताइए जल्दी। अरे सुनो तो, ए मोटे तू तो आ जा, कहाँ जा रहा है? कहाँ गई होगी? उनके साथ चाल चल रही थी। हाँ तेरी चाल ऐसी टेढ़ी कर दूंगा कि तू जिंदगी भर सीधी चाल चलना भूल जाएगी। बहुत शानी बन रही थी। हाँ बहुत शानी बन रही थी क्या? ए, बहुत शानी बन रही थी। Thank you.
ऐन मौके पर आ गए आप। आज तो मैं फंसी गया था। सुदेव इस दुनिया से क्या गया, अब उनका सुख चैन सब खत्म हो गया। मोनिका, वक्त की हर चीज गुलाम होती है, हम सब उसके आगे कठपुतली हैं। लेकिन कठपुतली ने जाने वाला गॉड कहीं को सो गया मैन। क्या वो गॉड ये नहीं जानता था कि जब अपन की जिंदगी कोठी के जहरीले झाड़ में फंस गई थी तो उसे निकालने वाला सिर्फ सुखदेव था। अपन का सुखदेव वो अपन से शादी बनाने वाला था। देख, कसम धंधे की है, अपन तेरे को बहुत प्यार करता है। सुखदेव तुम अपन से इतना प्यार करता है, अपन तेरे से शादी बनाना चाहता है। तो अपन को बोला क्यों नहीं? क्योंकि बोलने से पहले अपन बहुत पैसा कमाना चाहता था ताकि अपन के बच्चे को उसके माँ बाप का नाम पता हो। इसलिए रानी को रंजीत सेठ के पास भेजकर बहुत माल कमाना चाहता था। लेकिन उस रानी पर राकेश का भूत सवार है। उनका सब कुछ छिन गया, सब कुछ। मोनिका, जो छिन गया वो तुम्हारा बीता हुआ कल था, मगर किसी का आने वाला कल तुम्हारी जरा सी मदद का मोहताज है। हाँ मोनिका, आपकी मदद से राधा की जिंदगी बच सकती है। अपन रानी की जिंदगी बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है, लेकिन सुखदेव अपन को कुछ नहीं बताया। हाँ, एक दिन एक फोटोग्राफर का फोन आया था। अरे ठीक है साहब, आप यहाँ? ओह, तो आप मुझे पहचानते हैं? पहले नहीं पहचानता था जब फोटोग्राफ ले रहा था, लेकिन अब, अरे अब तो आप मेरे लिए भगवान हैं। और फिर कुत्ते की नाक और फोटोग्राफर की आंख असली जालसाज को बचाने में कभी भूल नहीं करती। और ये आपकी तस्वीर मेरी तकदीर है, ये बैरल चेक है। ठीक है साहब, ब्लैकमेलिंग की सजा जानते हैं आप? ठीक है साहब, आप अपनी इज्जत की कीमत जानते हैं। वैसे मेरा हिसाब वाइट का होगा, समझे? नहीं समझे, इन फोटोग्राफ्स के नेगेटिव मेरे पास रहेंगे। अब सोने के अंडे देने वाली मुर्गी एक साथ खा जाऊं तो बदहजमी हो जाएगी ना। मैं एक ही बार में तुझे इतना माल दूंगा कि तू जिंदगी फरायश करेगा। ये ले, पहला नजराना, तेरा मनपसंद स्कॉच। ठीक है साहब, जियो, जुग जुग जियो। क्या हुआ? उस फोटोग्राफर का नाम राजकिशोर है। हाईवे के पास जो नेहरू नगर इंडस्ट्रियल एस्टेट है ना, हाँ, 5 नंबर के गाले में उसका स्टूडियो है। चलो चलो चलो। स्क्रैच का मजा ही अलग है। दूसरी भी है। दूसरी भी। दूसरी भी? ये ले। क्या कर रहा है? शराब पी रहा है। राइट। एक बात तो समझ में आ गई कि रानी दीदी के बयान के मुताबिक रंजीत राय एक लिफाफा लेकर आया था और उस वक्त वो बहुत ही गुस्से में था। इसका मतलब ये है कि फोटोग्राफर से लिफाफा सुखदेव ने लिया होगा और फिर उसे लेकर रंजीत राय के पास गया होगा। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि उन तस्वीरों को देखकर रंजीत राय को गुस्सा क्यों आया। हो ना हो, उन तस्वीरों में उसने अपनी पत्नी के साथ किसी गैर मर्द को देखा होगा। करेक्ट।
Oh my God. अगर हमें कोई सुराग मिल सकता है तो वो सिर्फ रंजीत राय के घर से मिल सकता है, लेकिन लेकिन मिसेज राय तो हम दोनों को जानती है, और तुम्हें भी। वो मुझे नहीं पहचानेगी, मैं वहां जाऊंगा। ठीक है, तुम वहां जाओ, और राकेश तुम लिफ्टमैन का पता करो। ठीक है, और आज विटनेस बॉक्स में मैं मिसेज राय को बुलाऊंगा। जज साहब, आई एम सॉरी, सुमित्रा देवी की तबीयत ठीक नहीं है, वो आज यहाँ नहीं आ सकती, ये उनका मेडिकल सर्टिफिकेट है। You can proceed with other witnesses. जज साहब, फिर मैं अदालत से दरखास्त करता हूं कि मुलजिमा राधा रानी को एज अ विटनेस पेश करने की इजाजत दी जाए। तुम्हारा रवि अपनी बहन को विटनेस बॉक्स में बुलाकर उसे फांसी पर चढ़ाना चाहता है? नहीं पापा, वो देखिए जज साहब के पीछे क्या लिखा है, सत्य में जयते, और रवि इस सत्य को दुनिया के सामने रखना चाहता है। मैं गीता पर हाथ रखकर कसम खाती हूँ कि मैं जो कहूंगी सच कहूंगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगी। आप ये बताइए कि जिस रात रंजीत राय का खून हुआ था, उस रात क्या हुआ? उस रात सेठ जी जब मेरे पास आए तो वो बहुत गुस्से में थे। आखिर आप कुछ बोलते क्यों नहीं, काफी परेशान लग रहे हैं। जब इंसान के विश्वास का गला घोट दिया जाए तो इंसान परेशान नहीं होगा तो क्या करेगा? क्या हुआ, क्या हुआ? जेब से दवा निकाल के तो ये तो खाली है, लेकिन आप फिक्र मत कीजिए, मैं अभी दवा लेकर आती हूँ, मैं अभी आती हूँ। मैं दवा लेने गई लेकिन मेडिकल स्टोर बंद था। जब मैं वापस आई तो मैंने देखा किसी ने बड़ी बेदर्दी से सेठ जी का खून कर दिया था। योर ऑनर, ये सब मनगढ़ंत कहानी है जिसका कोई सबूत नहीं है, और ना ही कोई चश्मदीद गवाह। लिफ्ट मैन के बयान से यह साफ जाहिर होता है कि उस रात कोई अंदर नहीं आया और ना ही कोई बाहर गया, और बाकी रहा वो लिफाफा जिसका आपने जिक्र किया है। योर ऑनर, मौकाए वारदात में हमें ऐसा कोई लिफाफा नहीं मिला।